गोहाना में गौशालाओं के प्रधान और सचिव पर पूर्व प्रधान और संरक्षक ने लगाए गंभीर आरोप। गोहाना में बीते दशक भर से सर्वसम्मति से गोहाना शहर की दो गौशालाओं कृष्ण और आदर्श गौशालाओं के प्रधान घनश्याम तायल पर गौशाला के पूर्व प्रधान नरेंद्र बंसल और संरक्षक रामधन गोयल ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि घनश्याम तायल ने गौशाला के होने वाले चुनाव को एक तरह से बंद करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि वे भी सालों से गौशाला के मेंबर हैं और सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक न तो कोई रिकॉर्ड सुपुर्द किया गया और न ही कभी बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधान साल में 4 से 5 लाख गौशाला के लिए खर्च करते हैं, लेकिन जब भी गौशाला के लिए कोई नया पत्थर या सामान लाया जाता है, प्रधान द्वारा उस पर अपना नाम चस्पा कर दिया जाता है, जबकि चंदा देने में सभी सदस्यों का सहयोग होता है। जबकि शहर की अन्य दुकानों से सामान न लाकर गौशाला में निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली तमाम तरह की चीजें सचिव राम कुमार की दुकान से ही लाई जा रही है, जिसके लिए दूसरे सदस्यों से सलाह नहीं ली जाती, जबकि उसके लिए पूरा वैश्य समाज दिल खोल कर दान देता है। इस दौरान उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से अनभिज्ञ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की, ताकि दोबारा वे भी चुनाव लड़ सकें। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान सत्यनारायण महेंद्र और शिवचरण तथा रामनिवास आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधान और संरक्षक के आरोप लगाने के बाद जगत महान न्यूज ने वर्तमान प्रधान से इसकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका तो उनके भाई मुकेश तायल से बात कर मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरओ नियुक्त किया जा चुका है, तो अब चुनाव कराने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार तो सर्वसम्मति से ही गौशाला में प्रधान पद पर रहा है। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि चुनाव के माध्यम से सेवा कार्य करने के लिए कोई प्रधान बने, इस पर वे राजी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी और प्रधान बने तो सर्वसम्मति से ही बने, उन्हें खुशी होगी। एक तो देवीपुरा गौशाला है, एक जिंद रोड पर गौशाला है। हम 20-25 आदमियों को 4 साल से, मतलब पहले इलेक्शन में हमारे साथ धोखा हुआ है, इस साल भी धोखे की तैयारी हो रही है। हम तो सिर्फ यह चाहें कि भाई इलेक्शन साफ सुथरा हो जाए, जो नहीं कि हमारे बगैर बताए ना 3 साल से हमें कोई रिकॉर्ड दिखा रखा है, ना हमें किसी हिसाब किताब का मेरा, ना हमें जो नहीं मेरा कब इलेक्शन होना है, के होना है, के प्रतिक्रिया है, कौन आरओ है, हमने किसी चीज़ का नहीं। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करें हैं कि हमें पूरी जानकारी हो और उसके बाद इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, साफ इलेक्शन हो। अभी घनश्याम तायल प्रधान है, दोनों का, और सेक्रेटरी है राम कुमार का। तो कैसे धोखा हुआ जी आप लोगों के साथ? धोखा जो है, मैं भी 60 साल से इसका मेंबर हूँ, सर्वसर्वा एज मेंबर के हो, और 60 साल से मेरे पास कोई पद नहीं, मैंने अपने हाथ से 10 प्रधान बनाया हुआ। और जो मौजूदा प्रधान है ना, ये भी मेरा भतीजा, मेरा बनाया है। झगड़ा कहाँ से शुरू होया कि 5-6 साल को काम ठीक कराए आदमी की, मैं तो कागजा पर जाती हूँ, थोड़ा सा आदमी हवा भी ले जाए। एक दो बातें थी, सेफ्टी साहब मतलब लोग था कि भाई बाल दोस्त की दुकान पर जाओ, डॉक्टर फलाना सरिया जो भी जाओ, वो अपनी दुकान से सप्लाई करे, हमने यह चीज़ पर देखे भाई, एक दो और भी से ट्राई भी कर लो बाकी, ताकि उन्होंने का भी नहीं हो जाए कि मैं चंदा मांग ले जाऊँ और भी हो कहे मार तो इसका ले जाओ, पर भाई चंदा मारे घर ले जाओ, हमने भी तो पूछा करो। उसका तो अपना ही लालच था कि उसकी दुकान से मारता है। प्रधान का थोड़ा यूँ था कि जो 2-4 पत्थर पुराने थे, अच्छी जगह जहाँ थे, मतलब गेट के ऊपर है, फलाना है, बिखरा है, जहाँ जो भी थे ना, उनके ऊपर पहाड़ के पैसे उसने खर्चे, इसमें कोई दो राय नहीं, 40-30 लाख 5-4 लाख रुपये साल के खर्चे हैं। खर्चे में ना टूड़े के हैं ना सकरात के हैं, खर्चता है सिर्फ जो जान जो देख लिया कि गेट पर है, जो बढ़िया जगह पर है, यहाँ अपना पत्थर लगा दें। हाँ ऐसे उसके मैं हम यहाँ नहीं कर दे, हम लोग को बेईमाने का दोष नहीं लगा देना, हम लोग दे यूँ है। तो उस लालच में सेक्रेटरी प्रधान दोनों मिल गए, मिलने के बाद उन्हें देखा कि विरोध बढ़ गया है। हमने आज तक सत्संग भवन है कि सामने का गौशाला है, आज तक अब सर्वसम्मति से इलेक्शन हुए हैं, आज तक हमने कोई चुनाव नहीं, ना हमने चुनाव की प्रतिक्रिया का बेरा,
पिछले इलेक्शन में तो यूँ होया कि उनने अपनी डेट फेस कर ली, आर ओ नियुक्त कर लिया और वोटर लिस्ट उनके पास अपने पर्चे भर लिए। फार्म भरने के बाद ऐसा सिस्टम है कि इस डेट तक फार्म आ गए और के नहीं आए तो वही बनेंगे प्रधान शक्ति। हमने पता नहीं था, हमारे को कहा गया कि मैं 9 तारीख ना आ जाइयो 4 बजे। हम गए तो हमारे जो चौक की बजा करने बोले तो काम आए थे। कितने दिन से काबिज हैं? ये 12 साल हो गए, 11 साल हो रही है वैसे तो, लेकिन 5 साल से 6 साल से गदर में जा रहे। पहले ठीक था। हेलो, तो फिर आप लोगों को पिछली बार पता नहीं चला चुनाव कैसे हुआ, कब हुआ? ना जी, मारा हम गए ना जब चौकी बजा नहीं मिला हो गया, अब की दफा फिर यही काम है। हम तो यूँ कह रहे हैं कि भाई हमें तो यूँ इलेक्शन जो है ना, हमारा भी लड़न नजदीकर है, हमारा भी अधिकार है, हमें वोटर लिस्ट भी मिलनी चाहिए, हमें रजिस्टर का। आज 6 दफा पंचायत हो गई इस टाइम, हाथ जोड़ लिए, हमें रजिस्टर दिखा दो। तो ये कौन कर रहा है? धोखा किसने करवाया? धोखा सेक्रेटरी और प्रधान दोनों को फरा गई थी। श्री कृष्ण आदर्श गौशाला है जी, गोपाल कृष्ण और श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है। तो इसमें आप चुनाव को कैंसिल करने की मांग कर रहे हो या और भी कुछ है? चुनाव कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, फिर इलेक्शन होना चाहिए, हमें भी तो पोस्टपोन रजिस्ट्री भी मिलना चाहिए, हमें सारी चीज़ होनी चाहिए, हमें सारा पता होना चाहिए कि प्रतिक्रिया के लिए हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, कब की तैयारी की? हमें तो यूँ पता लगा है कि वह 6 तारीख ने लोगों से धोखा करके ने कि वह इलेक्शन होगा, लेकिन फॉर्म भरती है इलेक्शन का के मायने रह जाएगा और किसी के फॉर्म जाओ नहीं हुए बन गए। मेंबर कितने हैं हमारे? कितने भाई? 57 मेंबर हैं, 2 उसमें तमर लिए 55 रहे और 12 आदमी ऐसे हैं जो दोनों गौशाला में कॉमन है, मतलब दोनों। तो टोटल वोट कितने? 57 ही है वोट के टोटल है। 45 मुलाकात तो प्रशासन से भी करेंगे और सारे हरियाणा की गौशाला की मीटिंग भी बुलाओगे अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो। मैं हमारे साथ ही हो रहा है उनसे निजी तौर पे आपके एक बार कोई बातचीत हुई है प्रधान सचिव से? ना। हम गौशाला में 3 घंटे बैठे रहे, आए तो कब से अब उनके अधिकार में ये चल रहा है सारा? कितना टाइम हो गया? वैसे तो इन्हें 11 साल हो गए, लेकिन जो गलत और ये ना बात वो 6 साल से 5 साल ठीक काम चला। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।